तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ पृथ्वी और स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो हम सीधा मिल रहे हैं अपनी बाइक पे। आज संडे सुबह राइड करनी नहीं थी, मन नहीं था, कोई जा नहीं रहा था। तो आज संडे एक मीटअप था खन्ना जी का, तो उनका मीटअप 10 बजे का था, बट ना वेदर बता रहा था कि बारिश होगी, तो मैं अभी थोड़ा लेट हो गया। अब मैं टाइम कितना हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं, मैं घर से निकला हूँ। मीटअप तो चालू है बट सही में बता रहा हूँ वेदर ऐसा हो रहा है, बारिश कब हो जाए मुझे नहीं पता, क्या पता मेरे पहुँचते वहाँ पे बारिश हो जाए। पहले राइड होने वाली थी लाजपत नगर से राइडर्स पैराडाइज GFR रोड पे, राइडर्स पैराडाइज कैफे, वो राइड कैंसिल इसलिए कर दी गई क्योंकि मौसम की वजह से। मौसम सही में, मौसम कल रात को बता रहा था कि पूरे दिन बारिश रहेगी। मैंने भी चेक करा था कि आज सुबह 7 बजे से बारिश रहेगी, बट अभी तक तो बारिश हुई नहीं है। रात को ज़रूर बारिश हुई है बट अभी नहीं हुई है। तो उन्होंने कल राइड कैंसिल कर दी थी, उन्होंने सीधा मीटअप पॉइंट पे मिलने को कहा था सुबह 10 बजे। 10:30 का टाइम था मीटअप पॉइंट पे मिलने का, मैं 1 घंटा लेट हूँ, 1 घंटा बाद मैं घर से निकल रहा हूँ। बट मैंने चल यार मौसम अच्छा हो रहा है, चल ही लेते हैं, राइड भी हो जाएगी एक अपनी संडे की, ब्लॉग भी बन जाएगा और मिल भी लेंगे सबसे। काफ़ी राइडर्स आते हैं वहाँ पे, गलीला एम्बियंस एक ही बार ही आया हूँ उसमें यहाँ पे मैं। यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ था जब लास्ट लॉकडाउन से पहले, वेलकम टू दुबई। बाकी ये एरिया ना भाई गुड़गांव का या NCR का भाई बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे आके लगता ही नहीं आप इंडिया में हो, बढ़िया बना हुआ है बहुत। बस आने ही होगा DLF 5 से लेफ्ट लेके राइट हम GFR रोड पे आ जाएंगे। तो स्वागत है गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे आप लोगों का। ये देखिए क्या व्यू है सामने का, कैसे मन नहीं करेगा यहाँ पे ऐसे मौसम में आने का, पहाड़ हरियाली एकदम बढ़िया। लेफ्ट साइड में आएगा और राइडर्स पैराडाइज, और आगे जाके राइट साइड में सबसे फेमस कैफे यहाँ का थ्रॉटल शॉटल। भीड़ तो बहुत होगी भाई, डेफिनेटली भीड़ बहुत होगी। ये राइडर्स पैराडाइज लगाओ बाइक अपने कहीं। जो चीज भी आप कर रहे हो उस चीज को आप करते रहोगे ना, एक लेवल वो आ जाएगा पाजी कि बैठे बैठे खाऊं। सही बात। फिर उसके बाद एंजॉय करो यार जितना करना है। आज मेरे को 3 दिन हो गए मैं सोया नहीं, तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक वो चीजें नहीं होगी। आलस मेरे को ही बहुत आता है, लेकिन आपको आलस को मारना पड़ेगा। देखो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, एक एक चीज से लोग बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं। और मैं भी देखो बहुत नीचे से शुरू कर रहा है, मेरे फादर आज भी ड्राइवर हैं, ठीक है, मैं ये सब चीजें पब्लिक नहीं करता, लेकिन प्यारे प्यारे लोग हैं, ठीक है। तो मेरे फादर ड्राइवर हैं और सोचो ड्राइवर के बेटे ने गाड़ी ली थी 2-3 साल पहले, तो उनके लिए बहुत प्राउड है। मीटअप डन हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं, बारिश कभी भी पड़ सकती है। वैसे बारिश आई नहीं, फोरकास्ट ने बेकार कर दिया, बारिश आई नहीं, हम अच्छा खासा राइड कर सकते थे इस मीटअप पे, बट कोई नहीं, अब निकलते हैं। कुछ मुझे 2 चीज़ें गिव अवे में भी मिली है, वो भी आपको घर चल के दिखाते हैं, और एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है गिव अवे का, वो आपको अभी मैं बाइक पर बताता हूँ। तो अब बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ एक्चुअली। क्या गिव अवे जब अनाउंसमेंट चल रहे थे तो इन्होंने पहले 3-4 गिफ्ट तो ऐसी दे दिए, राहुल बांगा सर थे उन्होंने ऐसी दे दिए भीड़ में से बंदे सेलेक्ट करके। तो सबसे पहला वो गिव अवे में मैं ही जीता था। फिर नॉर्मल इन्होंने जो GP प्रो वाले थे इन्होंने टी शर्ट्स दे रहे थे और अपने कॉफ़ी मग दे रहे थे। फिर लास्ट में 2 गिव अवे बचे थे स्टोरी वाले, कार्बनाडो के 2 बैग थे, उसकी स्टोरी डालनी थी। मैंने 2 स्टोरी डाली, एक खन्ना जी की फ़ोटो डाली, एक बाहर राइडर्स पैराडाइज की फ़ोटो डाली। दीपाली मैम ने मेरा ही नाम लिया पृथ्वी शेखर। तो राहुल बागा सर वहाँ पे थे और राहुल बागा सर ने कहा कि आपको पहले मिल चुका है, तो नहीं मैंने यार ये गलत हो गया, मैंने आप वो ले लो, आप मुझे बैग दे दो, बट ये भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। बट ये मुझे याद रहेगा, मैं लेट आया, बहुत लेट, 1 घंटा लेट आया, बट फिर भी मुझे गिव अवे में एक चीज़ मिल गई, इसके लिए मैं बहुत लकी हूँ। और कार्बनाडो का मुझे बैग नहीं मिला, उसके लिए मैं अनलकी हूँ, बट अगर वो बैग मुझे मिल जाता भाई मज़ा आ जाता, मेरी स्टोरी अच्छी थी। कुछ क्रिएटिव डालना था, खन्ना जी की फ़ोटो खींची मैंने कार्बनाडो बैग के साथ,
लाइट रूम पर डाली फटाफट, एक फिल्टर डाला मैंने, मैंने अपने प्रीसेट्स बना रखे हैं, वो प्रीसेट डाला और स्टोरी टैग करके डाल दी और वो उनको बहुत पसंद आई। बढ़िया मीटअप, बहुत बढ़िया मीटअप, ऐसे मीटअप दोबारा हो। बस अब हम घर जा रहे हैं, घर चल के आपको दिखाऊंगा कि मुझे क्या मिला है। एक मग और वो मिला है, वो अनबॉक्स करेंगे। तो हाँ जी, घर पहुंच चुके थे, घर पहुंच के एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि वो मैंने बॉक्स पहले ही अनबॉक्स कर लिया। बट कोई नहीं, आपको दिखाता हूँ उस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है और आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा कि वो बॉक्स कैसा था अनबॉक्स करने से पहले। तो ये है जी वो बॉक्स, ये GoPro की एसेसरीज का बॉक्स है, ये GoPro का एडवेंचर किट है बोलते हैं इसको। एक ही हाथ से खोल रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ मेन तो किट में एक ये निकला था, एक ट्राइपॉड टाइप है GoPro का, इसे साइड रखते हैं। एक ये है, ये खोल के दिखाऊं ना दिखाऊं, ये एक्चुअली हेड माउंट है। अगर आपको बताओ, सर पे लगाते हैं अगर आप हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए होता है ये हेड माउंट। इसको भी साइड रखते हैं। और एक ये जे माउंट, स्लाइड वाला जे माउंट है, ये कैप्स वगैरह में लग जाता है। आप कैप पे लगा लो स्लाइड करके, और आप कैप पे भी GoPro लगा सकते हो। ये है, ये जे माउंट उसके साथ है, और इसका एक ये नट रखते हैं। और चीज़ दिखाते हैं आपको क्या मिला है। दो की चेन मिले, जैसे कि देख सकते हैं, एयर बॉक्स का है और एक बैडास ऑफिशियल्स का है। ये तो डेफिनेटली मेरे अब की पे लगने वाला है, ये वाला की चेन। और एक और चीज़, GoPro के स्टिकर, ये भी कहीं लगाएंगे हम। और एक और चीज़ मिली थी, ये मिला था मग रोड का, ये भी GP Pro की तरफ से मिला था, बहुत बढ़िया। तो बस आज का मीटअप कुछ ऐसा बढ़िया गया था, बहुत बढ़िया मीटअप रहा। थैंक्स टू ओमकार खन्ना जी, मतलब बहुत बढ़िया मीटअप था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा कमेंट करना। बाकी और नई वीडियो बहुत जल्द आ रही है, मिलते हैं आपको।